हेलो अभिजीत, कैसे हो तुम? अच्छा हूँ। और आपका सिर दर्द गया? गया मतलब क्या? एकदम गायब हो गया। अब तो मैं बिल्कुल फिट हूँ। बोलो क्या करना है मुझे? चलो, अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। अभिजीत, अब वो काम करने का समय आ गया है। लेकिन अभी तक तुम लोगों ने बताया नहीं कि मुझे करना क्या है। लोहा गरम है अभिजीत, हथौड़ा मारने की देर है बस। क्यों माया? सही कहा, अब बस इंतजार की घड़ियां खत्म होने ही वाली है। तो फिर ये लुका छिपी का खेल क्यों? बताओ ना मुझे क्या करना है। वैसे भी मेरी जिंदगी में अब क्या रह गया है? नौकरी छूट गई है, दोस्ती टूट गई, अब जो भी है तुम लोग, और तुम लोगों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी? हाँ, कुछ भी। ठीक है, हमें इस पते पे आकर मिलिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। गुड बाय अभिजीत। माया, तुम्हें पक्का यकीन है कि अभिजीत को हमारे ऊपर कोई शक नहीं है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। मैंने अभिजीत के रूम पर नजर रखी थी। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त इंस्पेक्टर दया, जिसके लिए वो अपनी जान भी दे सकता है, उसे बेइज्जत करके निकाल दिया है। मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करना बंद करो दया, अपने काम से काम रखो, समझे? चले जाओ यहां से। अभिजीत, मैंने बोला ना, चुपचाप चले जाओ यहां से। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? शिकार खुद ब खुद अपनी जाल में फंस गया है। अब हमारे प्लान को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ परेशान लग रहे हो तुम? क्या बात है, सब कुछ ठीक है ना? हाँ सर, ठीक। तुम अभिजीत से मिलने गए? अब क्या बताऊं मैं सर? नहीं दे, जो कुछ साफ साफ बता सर। ये अभिजीत काफी बदल गया सर। क्यों बोला? उसने कहा कि उसका हमसे और सीआईडी से कोई लेना देना नहीं है। क्या? ऐसे कहा उसने कि उसका हमसे और सीआईडी से कोई लेना देना नहीं? हाँ सर। अभिजीत ऐसे कह नहीं सकता है, कुछ तो अलग ही चक्कर है, कुछ तो अलग ही चक्कर। क्या मतलब है सर आपका? अभिजीत के बदलने के पीछे कोई बहुत ही बड़ी वजह है, नहीं तो अभिजीत ऐसे कर ही नहीं सकता है। कुछ भी करो और पता लगाओ क्या वजह हो सकती है। ठीक है सर, मैं इसकी वजह पता लगा के ही रहूंगा। वेलकम टू इंडियन टेनिस चैंपियनशिप। भारत के दो महान टेनिस खिलाड़ी अमर से और बर्कन का मैच अभी शुरू होने जा रहा है। Come on!
कमोन अमर सिंह कमोन। सुनिए जरा भाई साहब, भाई साहब मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या बात? मैंने आपको पहले कभी इस बिल्डिंग में देखा नहीं, नया है वो क्या? हाँ। क्या लेके जा रहे हो बॉक्स में? इसमें? हाँ इस बॉक्स में गिटार है। गिटार? हाँ इलेक्ट्रिक गिटार, मैं सातवें माले पर गिटार सिखाने आया। अच्छा सातवें माले पर। वैसे मैं गिटार बहुत अच्छा बजाता हूँ, आप सुनेंगे? बोर नहीं करूँगा आपको मैं। नहीं आज मैं जरा जल्दी में हूँ, किसी और दिन सुनूंगा। जैसी आपकी मर्जी। अजीब आदमी है। बाकी सब मुझे पूरा यकीन है कि आज का मैच अमर सिंह जीतेगा। जरूर। कम ऑन अमर सिंह कम ऑन। टील लव। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ऐसा गिटार बजाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। देखो इस गिटार में से कैसी आवाज आती है। गेम पार्कर। कोई बात नहीं कम ऑन अमर से कम ऑन। बोला भी सॉक्स। आज किसकी बारी है, अमर से या बरगद? चलो अक्कड़ बक्कड़ कर लेता हूं, जिस पे गाना खत्म उसकी मौत। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल कर भागा, तू गया मेरे हाथ से अमर शेर।
15 लाख। ये इतना हिल क्यों रहा है? हर रोज तो पत्थर की तरह खेलता था। फंस जा। डबल फॉल्ट। बॉल तो दूसरे कोर्ट में गिरी है सर। बॉल लाइन पर थी, इसलिए डबल फॉल्ट है। फंस गया। रेफरी से कंसल्ट करना चाहिए था, फिर डिसीजन लेना चाहिए था सर। मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। पर सर बहस क्यों कर रहे हो? बॉल लाइन पे गिरा है, गिरने के बाद उसका वीडियो में क्लिप दिखाना चाहिए था ना, या आपसे सलाह मशवरा करने के बाद डिसीजन लेना चाहिए था सर? देखो अमर सर, तुम पर बहस करने के लिए पहले भी फाइन लग चुका है। सर मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कह रहा हूँ सर। देखो अमर सर, ये काफी सालों से एम्पायरिंग कर रहे हैं, और अगर इन्होंने डिसीजन लिया होगा तो उन्होंने सोच समझ कर ही लिया होगा। अमर सर बेहतर होगा तुम अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप जाकर अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, वरना मैं तुम पर फाइन लगा दूंगा। मगर सर, पार्कन, ये गोली किसको लगी? मारी अमर से को लगी भरकन को। ये सिक्योरिटी वाला मेरी तरफ ही देख रहा है। इससे पहले कि ये मेरे तक पहुंचे, मुझे यहां से भाग निकलना चाहिए। वो रहा उस बिल्डिंग के टेरेस पर। एक काम करो, तुम यहीं पे रुकना। ध्यान रखना यहां से कोई जाने ना पाए। अरे सुनो तो, अरे अमर से क्या हुआ तुझे? अमर से ये सब हो क्या रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये ओ माय गॉड, ये तो मर गया। जल्दी निकलना होगा मुझे यहां से। कहां भाग रहा है? कहीं नहीं, टेरेस पे तू ही था ना। टेरेस बच्चे में क्या? गिटार है। दिखा गिटार, खोल ले। ये तेरा गिटार है? हाँ, चल तुझे गिटार बजाना सिखाता। चल चल। तुम्हें क्या लगता है माया, वो आएगा? आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? मैंने इतनी अच्छी तरह से जाल बिछाया है कि मछली का बच के निकल पाना मुश्किल है। अभिजीत जरूर आएगा, जरूर। एक बात मत भूलना, अभिजीत एक सीआईडी ऑफिसर है। हमारा प्लान सुनने के बाद अगर उसने सीआईडी वालों को बता दिया तो वो इस समय भले ही बेहोशी की हालत में है, लेकिन उसके खून में सीआईडी है, और ये बात तुम हमेशा याद रखना। वो सीआईडी ऑफिसर था, अब नहीं है। उसने सीआईडी के खिलाफ खुद बगावत की है, हमारे कहने पे नहीं। वो मुझ पे कभी शक नहीं करेगा और ना ही धोखा देगा। लगता है कोई आ रहा है। अरे अभिजीत, आप, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आपको देर कैसे हो गई? कहाँ रह गए थे आप? एक्चुअली वो मैं वो माँ, आपको पता नहीं है मुझे कितनी खुशी हो रही है आपको यहाँ देखकर। पता नहीं माया, मैं सही कर रहा हूँ या गलत, पर तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए अगर मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक्स अभिजीत, आइए। हेलो अभिजीत, बताओ अब क्या करना है मुझे? वेरी गुड, जैसा कि तुम देख रहे हो अभिजीत,
ये एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट है। पर इस बिल्डिंग में ऐसा है क्या? आज से ठीक दो दिन बाद मैं और माया इस बिल्डिंग पर कब्जा कर लेंगे और उसमें जितने भी लोग हैं हम उन्हें बंदी बना लेंगे। क्यों 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 करना चाहते हो तुम लोग ऐसा? अभिजीत, हमें सरकार से अपनी कुछ मांगे मनवानी है और जब तक वो हमारी मांगे पूरी नहीं कर देते हमें यही रास्ता अपनाना होगा। पर ये बिल्डिंग कौन सी है? अभिजीत, ये हम तुम्हें अभी नहीं बता सकते क्योंकि एक टॉप सीक्रेट मिशन है। सही वक्त पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन हां, एक बात का ध्यान रखना, अगर हमारे साथ गद्दारी करने की कोशिश की तो ऐसा मत कहिए। मुझे अभिजीत पे पूरा भरोसा है। उसकी फिक्र तुम मत करो। तुम ये बताओ कि मुझे क्या करना है। वेरी गुड। तो सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, तुम हमारे लिए सरकार से सौदेबाजी करोगे। सौदेबाजी? कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें तो सरकार के सारे राज मालूम होंगे ना? क्यों? हाँ, तो बस जो राज तुम्हें मालूम है उन्हीं राज का हम इस्तेमाल करेंगे। वेरी सिंपल। नहीं, मैं देश से गद्दारी नहीं कर सकता। मैं मानता हूं मुझे सीआईडी से बदला लेना है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं इतना नीचे गिर जाऊं। अभिजीत, तुमने क्या कुछ नहीं किया इस देश के लिए, लेकिन इस देश ने तुम्हारे लिए क्या किया है? 13 साल से तुम अपनी जान की बाजी लगाते आ रहे हो इस देश के लिए, लेकिन देश ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। और तो और, सीआईडी के साथ तुमने कितनी वफादारी से काम किया, लेकिन उन्होंने क्या दिया? केवल बेइज्जती, बेइज्जती और बेइज्जती। सीआईडी तुम्हें भूल चुकी है अभिजीत। हम सब का ध्यान जो है बारकन की तरफ ही था सर। हम लोग ये सोच ही रहे थे कि ये सब अचानक कैसे हो गया। इधर देखा तो अमरशा भी गिर गया था। ये सब अचानक ही हो गया सर। तुम्हें पता कैसे चला कि कोई वहाँ टेरेस से गोली चला रहा है? हाँ, तुम्हारा ध्यान ऊपर गया है कैसे? सर, मेरा काम ही सिक्योरिटी, हर जगह निगाह रखनी पड़ती है। बात सही है, हर जगह निगाह रखनी पड़ती है, पर ऊपर ही क्यों देखा तुमने? गोली तो कहीं से भी चल सकती थी, भीड़ में से चल सकती थी गोली। सर, यहाँ पे हर आने वाले आदमी की तलाशी ली गई थी, इसलिए मुझे मालूम था कि किसी भी प्रकार की कोई रिवॉल्वर या कोई दूसरी बंदूक भीड़ में किसी के पास नहीं। तो सर, जैसे मैंने बारकन के सर से खून निकलता हुआ देखा, मैं समझ गया कि इसने गोली मारी, तो मैंने वहाँ ऊपर देखा। ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पहले से मालूम था कि गोली वहाँ ऊपर से चलने वाली? मतलब तुम्हारे हाथ भी इस खून में रंगे हुए हैं, तुम भी मिले हुए सब में? क्यों नहीं सर, मैं ये गंदा काम नहीं करूँगा। खैर, वो तो बाद में पता चल ही जाएगा। अच्छा, उस मारने वाले के पास से कुछ और मिला? जी, उसके पास ये फोटो मिली। अमरशे की फोटो? मतलब निशाने पास अमरशे को मारने आया था? तो फिर
बारकन को क्यों मार दी इसने गोली? और सर इस अमरशा की बॉडी पे भी कहीं कोई घाव के या गोली लगने के निशान नहीं है, और ना ही इसकी होंठ नीले पड़े हैं। सर सर इसके माथे पर जो गोली लगी है, जहाँ से खून निकल रहा है सर, गोली यहीं लगी है। देखने में तो बहुत छोटा सा निशान है, लगता है दूर से गोली चली है सर। निशानेबाज अमरशे को गोली मारने आया था और लग गई इस बारकन को। सर मारने वाला तो पक्का निशानेबाज है, तो फिर वो ये गलती क्यों और कैसे करेगा? अगर अमरशे को मारने आया था तो फिर बारकन को क्यों मारेगा? ये देखिए, छेद है, इसके अंदर कुछ फंसा हुआ है, इधर फ्लायर देना। बुलेट है सर, कहीं ये वही गोली तो नहीं जो अमरशे को लगने वाली थी? शायद ये वही गोली है। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर वो अमरशे को मारने आया था तो फिर बारकन को गोली लगी कैसे? कुछ और ही चक्कर है ये। एक काम करते हैं, यहाँ पे जो कुछ हुआ है उसे फिर से दोहरा के देखते हैं। चलो मैं यहाँ अमरशे की जगह पे खड़ा होता हूँ, देख तुम बारकन की जगह पे जाओ। यस सर। सचिन तुम रेफरी की जगह पे खड़े हो जाओ, काजल तुम चेयर एम्पायर की जगह पे खड़े हो जाओ। सर जैसे यहाँ पे हुआ था, अमरशे की बहस हो रही थी चेयर एम्पायर के साथ, और उसी वक्त पीछे से रेफरी आगे आ गया और यहाँ से बारकन पास में आ गया। अमरशे और इस रेफरी के बीच में काफी देर तक बहस चलती रही। अचानक ये अमरशे चौंक जाता है, वो मरता नहीं, उसके हाथ में सिर्फ ये रैकेट है, सिर्फ ये रैकेट। गन पाउडर, अब समझ में आया। वहां से किसी ने गोली चलाई अमरशे पे और उसी वक्त अमरशे ने अपना हाथ ऊपर किया, तब वो गोली यहां रैकेट पे लगी। रैकेट टूटा नहीं, पर गोली रैकेट पे लग के वापस यहां इस पोल में आके लगी। लेकिन सर ये बारकन को जो गोली लगी वो गोली कहां से चली होगी? सचिन ये बारकन यहां खड़ा था ऐसे सामने की तरफ देख रहा, और उसे माथे पे गोली लगी थी एकदम बीचों बीच, का मतलब है गोली चार एम्पायर के पीछे से चलाई गई है। ऑडियंस में से यहाँ पे जो टेनिस का मैच देखने आए थे इनमें से किसी ने गोली चलाई है, या जो कोई बाहर तो नहीं गया? सचिन एक एक आदमी के हाथ चेक करो, सबके हाथ पे स्प्रे मार के देखो। सचिन जल्दी आप सब लोग एक तरफ आ जाइए, लाइन में खड़े हो जाइए, प्लीज जल्दी आइए, लाइन में आ जाइए प्लीज। चलिए प्लीज चलिए, अब हाथ लाइए, चलो लाइन में आ जाओ। और एक तरफ हो जाइए, गए मैं क्यों अपना हाथ दिखाऊं? मैंने थोड़ी कुछ किया है। कुछ किया नहीं तो फिर डर किस बात का है? हाथ दिखाओ। चलिए दिखाइए, रेडी आप निकलिए। आप कोई मेरे पास नहीं आएगा, मैं ऐसे गोली मार दूंगा। हटो 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 हटो, कहीं नहीं जा सकते यहाँ से। क्या कहा तुमने? सबकी चेकिंग की है, ये गन कहाँ से आई इसके हाथ में? जी वो मालूम नहीं, कि तुम्हें तो बाद में देख लेंगे। क्यों क्या ऐसा? हाँ गौर से देखिए मेरे चेहरे पे, किसने पहचाना? पहचानते आप मुझे? पहचानते आप मुझे नहीं ना, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि बहुत साल पहले मालदा नाम का एक टेनिस प्लेयर हुआ करता था। तो तुम भी एक टेनिस प्लेयर रह चुके हो? हाँ। मगर तुमने बारकन को क्यों मारा? मैं और बारकन डबल्स में साथ खेला करते थे, लेकिन देखते ही देखते बारकन बहुत आगे निकल गया। और इसीलिए तुम्हें उससे जलन होने लगी? हाँ, मैं ड्रग्स और शराब के नशे में फिसलता गया, फिसलता गया। वो एक बहुत बड़ा आदमी बन गया।
ये मुझसे सहन नहीं है, इसीलिए मैंने आज मुझे आज बारकन को मालदन, अगर तुम्हें ड्रग्स और शराब की लत नहीं लगती और तुम भी उतना ही मेहनत करते जितना बारकन करता था तो आज तुम बारकन जितने बड़े खिलाड़ी बनते, मगर नहीं, शायद तुम्हें फांसी ही होगी। सुन के कुछ पता चला कैसे मौत हुई अमर शेख की? बालों से? हाँ, बालों से। सुन के तेरा दिमाग ठिकाने पर है क्यों? अरे बालों से किसी की मौत हो सकती है क्या? ये ऐसे वैसे बाल नहीं है प्रद्युमन, ये बहुत ही जहरीले बाल है। जहरीले बाल? हाँ, बहुत जहरीले बाल हैं जो संसार के सबसे ज्यादा जहरीले पौधे से आते हैं, जिसका नाम है स्टिंगर। स्टिंगर? या जिसका बॉटनिकल नेम है डेंड्रोनाइट मोराइडस, जो नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, मोलाकस और इंडोनेशिया के घने जंगलों में पाया जाता है। जी हाँ, ये बाल इतने जहरीले होते हैं कि ये स्किन के जरिए शरीर में घुस जाते हैं और धीरे धीरे सारा जहर शरीर में फैल जाता है। अमरशी की मौत भी इसी तरह से हुई है। सांकी, ये जहरीले बाल अमरशी के शरीर में घुसे कैसे? बॉस, ये जरा हाथ देखो, ये देख रहे हो छोटे छोटे छेद? हाँ। ये जहरीले बाल इस आदमी के शरीर में इन छेदों से अंदर गए। मगर कहां से साड़ूंखे, ये जहरीले बाल अमर शेख के हाथ में आए कहां से? प्रद्युमन, ऐसा हुआ होगा कि इसने किसी चीज को छुआ होगा जिस पर ये बाल लगे, और इसके छूने से वो बाल इसके हाथ पे आ। एक और बात सर, अगर ये पौधा स्टिंगर या डेंड्रोनाइड मोराइडिस यहाँ पे नहीं उगता तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने इसे बाहर से मंगवाया है? बिल्कुल हो सकता है। पहले तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि वो कौन सी चीज थी जिसे छूने पर अमरशे के हाथों में ये जहरीले बाल घुस गए। विवेक, दया के साथ जाकर इस टेनिस मैच का फुटेज देखो, तब तक हम इस निशानेबाज से जरा प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। किसने भेजा तुम्हें अमरशे को मारने के लिए? कि किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद उसे मारना चाहता था। एक मेरे दिमाग में आग लगी है, मेरे हाथ से कुछ हो जाएगा, बता जल्दी। मैं आपसे कह रहा हूं ना, किसी ने नहीं भेजा तुझे? नहीं। तो क्या खुद मारने गया तू? क्यों मारने गया उसे? पता नहीं। पता नहीं? याद नहीं। क्यों याद नहीं? बस याद नहीं। कितने पैसे मिले? किसने दिए पैसे? पैसे क्यों मारा? बोले बोल। कितने पैसे? बोल बोल बोल। क्यों मारा? बोल। किसने मारा बता। बोल किसने बोला तू? बोल बोल किसने बोला? जल्दी बता, बताओ जल्दी। बोल बोल बोल, बताओ जल्दी। क्या हुआ? अभी बात, मैं पागल हो जाऊंगा। तो फिर बता। बताता जल्दी। अच्छा हुआ जो तूने मुंह खोल दिया, वरना। किसने भेजा तुम्हें अमरशे को मारने के लिए? हम निशानेबाजों का एक गिरोह है। कमाल है, निशानेबाज लोगों ने भी अपनी गैंग बना ली है? कैसा गिरोह है तुम्हारा? बोल। ब्लैक विडो। हम बड़े बड़े लोगों को मारने का कांटेक्ट लेते, अब तक हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम में से कोई भी पकड़ा नहीं गया। हाँ, इसीलिए तुम्हारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। हाँ, हम कोई भी सुराग पीछे नहीं छोड़ते जिससे हमें ढूंढा जा सके। वो तो मेरी बदकिस्मती थी कि मैं पकड़ा गया। तो फिर ब्लैक विडो गैंग के निशानेबाज बताओ, किसने भेजा तुम्हें अमरशी को मारने के लिए? मेरे बॉस ने। तुम्हारे इस बॉस का कोई नाम तो होगा ना? हे, क्या नाम है उसका? नीबो। नीबो? नीबो कहां मिलेगा ये नीबो?
फुटेजेस को देख के ऐसा लग रहा है कि मैच के दौरान अमर्ष ने टेनिस रैकेट, टेनिस बॉल और पानी के बॉटल के अलावा किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। एक मिनट, जरा रिवाइंड करो इस फुटेज को। ये देखा विवेक, बॉल बॉय का चेहरा देखा? पहले ये बॉल के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा था, लगता है इसी वक्त उसने स्टिंगर का जहरीला बाल उस बॉल पे लगा दिया। वो बाल उसने बॉल पे लगाने के बाद उसने अमर्ष की तरफ फेंका। जैसे ही अमर्ष ने बॉल को पकड़ा, वो बाल उसके हाथ में घुस गया। उसे दर्द हुआ पर उसे कुछ समझ में नहीं आया, और जैसे ही वो बाल उसके हाथ के अंदर घुसा, उस बाल का जहर फैलने लगा। शरीर में जहर फैलने के बाद अमर्ष की मौत हो गई। सर, मैंने इंटरनेट के जरिए पता किया है सर कि जिन लोगों ने भारत से ऑनलाइन स्टिंगर नाम का पौधा मंगाया है, सर, उनमें से कोई भी भारतीय नहीं है, सभी फॉरेनर्स हैं। What? ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करते हैं, पहले इस बॉल बॉय को पकड़ते हैं। चलो। होशियार रहना। मैंने बोला था ना तुमको 50 में काम नहीं करेगा। आवाज कैसी? बाहर क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ है, लगता लफड़ा चल रहा है, मैं देखता हूँ। देखो, मैं बोला था तुमको 50 लाख में काम नहीं होगा। मैंने समझते नहीं होगा। मैंने समझाया तुमको कि 50 में नहीं होगा। अरे 50 लाख बढ़िया अमाउंट है, छोटी नहीं है। 50,000 नहीं है। तुम रुको, मैं इनका काम तमाम करके आता हूँ। ठीक है, मगर ध्यान से। मार्केट है क्या यहाँ पे? अच्छा चलो, मेरा 3 लाख ले लो तुम। ये चल क्या रहा है? बात है कि 1 करोड़ अभी दूसरे 50 लाख बाद में लेगा। अरे ये अचानक गायब कैसे हो गए? चल चल सीआईडी के लोग, कोई चला के नहीं। चल खोपड़ी उड़ा दूंगा। चल चलो चुपचाप चलो। चल नहीं, गोली नहीं चलाना। चलो अंदर। अपनी अपनी बंदूकें नीचे करो, बोलो अपने दोस्तों को। चल गन नीचे कर दो। तुम्हारा बॉस निगो कहाँ है? निगो ले चलो हमें उसके पास। हाँ हाँ चुपचाप, कोई चला की नहीं। हाँ ले चल रहे। चल चल कौन है? मैं पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है सब? क्या मजाक हो रहा है ये? मैंने तुम्हें ट्रेनिंग दी है ये दिन देखने के लिए। मजा आ रहा है? हाँ बस जो सुन तुम, आज तुम्हारी खैर नहीं। एक के बदले में सैकड़ों गोलियां ठीक रहे। कौन हो तुम? सीआईडी निबो, सीआईडी। क्या हुआ सर? अभिजीत को फोन लगा रहा हूँ, फोन बंद आ रहा है। सर कहीं उन्होंने अपना नंबर बदल तो नहीं थे? इस हाल में वो है, कुछ भी हो सकता है। सर मैं एक काम करता हूँ, एक खबरी को अभिजीत सर का नया नंबर पता करने के लिए कह देता हूँ। ठीक है, क्या जमाना आ गया है, अभिजीत के नंबर के लिए खबरी से पूछ रहे। अमर्षे और बार्गन के मैच जब हो रहा था तब तुम थे ना यहाँ पे? जी सर मैं ही था। क्या बात है सर? वो बॉल कहाँ है जो मैच के वक्त बदली गई थी? वो बॉल? हाँ वो बॉल कहाँ है? वो बॉल तो गुम हो गई सर। गुम हो गई? कैसे कैसे गुम हो गई? मालूम नहीं सर कैसे गुम हो गई। बॉल गुम हो गई थी या जानबूझ के घुमा दी गई थी? मैं कुछ समझा नहीं सर। स्टिंगर का नाम तो सुना है ना? स्टिंगर? ये क्या होता है सर?
डेंड्रोनाइट मोराइडस। सर आप क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं 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 सर, सर मुझे पैसे दिए गए थे सर। किसने? सर उसने। ए रुक रुक। ऐसे भाग रहे जैसे मैराथन में भाग रही है। ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा सर। भाग के जाएगा कहाँ? कहाँ तक भागेगा? नीबो बताओ जल्दी, बताओ किसने दिया था कॉन्ट्रैक्ट अमरशी को मारने का? बोल क्यों किया तूने ये सब? अमर से मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। कैसा बुरा बर्ताव? नाम के लिए तो मैं उसका मैनेजर था, लेकिन असल में मैं उसके पालतू कुत्ते की तरह था, गुलाम था उसका, गुलाम। नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। सचिन देखो भैया, गुलाम वो मुझे सब्जी खरीदने के लिए मार्केट भेजता था, अपने जूते साफ करवाता था, सबके सामने मेरा मजाक उड़ाता था, बहुत जलील करता था। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने फैसला कर लिया कि मुझे इस अमर से कुछ करना ही पड़ेगा। अब तो चोच खोलेगा ना तू? नहीं। बोल रहा है सचिन? नहीं सर, ये अपनी चोच नहीं खोल रहा है। देखो जरा प्यार से। इसलिए तुमने इंटरनेट के जरिए वो जहरीला पौधा मंगवाया, स्टिंगर, एक नकली नाम से। डिमिट्री एक फॉरेनर के नाम से मैंने वो पौधा मंगवाया ताकि किसी को पता ना चल सके। फिर मैंने बॉल बॉय को पैसे दिए ताकि वो टेनिस की बॉल पर स्टिंगर के जहरीले बाल को लगा सके। लेकिन हमने तुम्हारा सारा प्लान बिगाड़ दिया। अब बोलेगा? अरे 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 अरे, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो यहाँ ब्यूरो में स्विमिंग पूल बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी सर। ओहो फ्रेडी, इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हें स्विमिंग करने की? है? अरे अभी बोलेगा नीबो, अभी बोले। हाँ नीबो बोलो। बताता। बताओ किसने दिया था कॉन्ट्रैक्ट अमरशी को मारने का? शमित। हाँ शमित ने। शमित? शमित, शमित, इस शमित से मिलना होगा। अभिजीत, अभिजीत, अभिजीत मुझे तुमसे बात करनी है। अरे रोको यार, बात करनी है मुझे। ऐसा क्यों कर रहा है? राजन इसका पीछा करो। यस सर। जल्दी पीछा करो, पीछा करो, छोड़ना नहीं, जल्दी। इस तरफ से, इस तरफ से। ये कहां चला है? अभी भी तो सामने ही था, कहाँ गायब हो गए? सब वो निकल गए। समझ में नहीं आ रहा अभिजीत को हो क्या गया है और क्यों कर रहा है वो ये सब। और वो लड़की जो उसके बगल में बैठी थी वो है कौन? रात को 3 बजे किसका फोन आ सकता है? हेलो। हेलो, मैं आपका शुभचिंतक। शुभचिंतक? आपके घर पर इनकम टैक्स का रेट बढ़ने वाला है। What? इनकम टैक्स? अरे मगर मैंने तो अब एक मिनट, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे? हेलो, हेलो, हेलो।
कहीं वो आदमी सच तो नहीं कह रहा था, कहीं ये वो लोग। मगर इतनी रात को इनकम टैक्स की रेट कैसे? हे भगवान, क्या हो रहा है सब? आ रहा हूं, आ रहा हूं। अरे आ रहा हूं भाई। What nonsense! अरे ये क्या तरीका हुआ? आप लोग इस तरह से किसी के घर का दरवाजा तोड़ के अंदर कैसे आ सकते हैं? हम कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि तुम्हारे इस घर में काला पैसा छुपा के रखा। What? काला पैसा? हाँ, ब्लैक मनी। किसने कहा आपसे ये? हाँ, किसने कहा आपसे ये? देखिए सर, ये सरासर झूठ है। अरे मैं तो बहुत ही गरीब आदमी हूँ, रूखी सूखी खा के अपना जीवन व्यापन कर रहा हूँ, जिंदगी चला रहा हूँ अपनी। हाँ, गरीबी तो दिख रही है इधर। अरे 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 अरे, गरीब आदमी बेचारा। चलो भाई, जो कुछ भी है इस गरीब घर में से जो भी गरीब सामान है उठा के लेकर चलते। चलो 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 जल्दी। नहीं नहीं सर, अरे आप देखिए ये क्या कर रहे हैं आप? एक सेकेंड रखिए इसे, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ रखिए इसे आप यहाँ पर। ए हेलो, रखो उसे, क्या कर रहे हो ये? सर देखिए, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग। तो ये बताओ, कहाँ छुपा के रखा है काला पैसा? अरे कौन सा काला पैसा? कोई काला पैसा नहीं है इस घर में। हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि तुमने नीबो को, अमर शेख को मारने के लिए 1 करोड़ रुपया दिया है। मैंने? अरे झूठ है ये, सरासर झूठ है ये। तो फिर सच क्या है बताओ? आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। क्या सीआईडी? हाँ सीआईडी। तो बताओ कितने पैसे दिए तुमने नीबो को, अमर शेख को मारने के लिए? बकवास है ये, बकवास है ये। बकवास नहीं है, सच्ची बात है ये, सच्ची बात। बोल, कितने पैसे दिए थे अमर शेख को मारने के लिए नीबो को? 50 लाख। क्यों मरवाया तुमने उसे? हाँ, क्योंकि उसकी वजह से मेरे भाई ने आत्महत्या की थी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भाई ने आत्महत्या? हमारे और मेरा भाई दोनों जिगरी दोस्त थे, दोनों ने साथ में बिजनेस शुरू किया। और कुछ ही दिनों में मेरे भाई को पता चल गया कि हमारे कंपनी के पैसों में घोटाला कर रहा है, हेराफेरी कर रहा है वो। उसने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, उसे चेतावनी भी दी, पर वो कहां समझने वाला था। हमारे ने अपनी चालाकी से कंपनी का सारा पैसा हड़प लिया और नतीजा ये हुआ कि वो कंपनी बंद हो गई और मेरा परिवार सड़क पे आ गया। और मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली सर, मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली। तो तुमने बदला लेने की सोची? हाँ, और बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठा करके गारमेंट्स का बिजनेस शुरू किया और मैं अमीर आदमी बन गया सर। और अमर शेख तब तक एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स स्टार बन चुका था, लेकिन मैं भी कहां संभालने वाला था, कहां मानने वाला था मैं। और इसलिए मैंने उसके साथ माना कि अमर शेख ने तुम और तुम्हारे परिवार के साथ जो कुछ भी किया गलत किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने जो किया वो सही था, वो भी गलत था। अब तुम्हें तो फांसी ही होगी। हेलो, हाँ क्या पता चल गया? वेरी गुड। हेलो 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 अभिजीत। हाँ मैं बोल रहा हूँ। तुम्हें ये नंबर कहाँ से मिला? ये छोड़ो के नंबर कहाँ से मिला, मुझे अभी तुमसे मिलना है। मेरे पास टाइम नहीं है दया, और मैं पहले भी बता चुका हूँ मुझे सीआईडी से अब कुछ लेना देना नहीं है। सीआईडी के खिलाफ इतनी नफरत अभी?
हो क्या गया तुम्हें? देखो अगर तुम किसी प्रॉब्लम में हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कहीं तुम किसी केस में शामिल तो नहीं हो? कहीं तुम सीआईडी के खिलाफ कुछ कर तो नहीं रहे? अच्छा अच्छा, अब आया है हाथी पहाड़ के नीचे, तो तुम्हें अपना सीआईडी प्यारा है, तुम्हारा दोस्त अभिजीत नहीं, बस सीआईडी। अभिजीत ऐसी बात नहीं है, सुनो। देखो दया, मेरी जिंदगी में तुम जैसे दोस्तों के लिए कोई जगह नहीं है। गुड बाय। अभिजीत तुम लोग क्या बात है? अभिजीत क्या कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं, नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या सोचा आपने? हाँ, मैं तुम लोगों का काम करूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तुम लोग इस काम में सीआईडी को शामिल करोगे, मैं सीआईडी को बर्बाद कर दूंगा। बर्बाद कर दूंगा मैं सीआईडी को। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।